आपका स्वागत है दर एम शो क्लिप्स नेम बस देखते रहो और सीखते रहो मेथड एक्टिंग बहुत ही एक अब्यूज टर्म होती है मेथड एक्टिंग को मेथड एक्टिंग act? को आ, एक्टरों के चोचले दूसरे झेले उसका नाम दिया जाता है कि मैं ये नहीं करूँगा मैं वो नहीं करूँगा जिससे मेरी लड़ाई होने वाली इससे मैं बात नहीं करूँगा तो वो उस, सब उसका एक सिंपल उदाहरण है मेरे पास आप एक सीन कर रहे हो और आपको गाड़ी में बैठ के एयरपोर्ट जाना है उस सीन में शॉट तो यही है कैमरा बाहर तो है नहीं तो आप बैठ के एयरपोर्ट थोड़ी जाते हो शॉर्ट कट होता है गाड़ी रिवर्स करते हो कई बार खुद करनी पड़ती है फिर दोबारा वो शॉट दिया जाता है दोबारा वो लाइन बोली जाती है तो मेथड एक्टिंग ना एक एक्टरों का एक एक टेंट्रम झेलने की भी एक टर्म हो गई है मेरे को ऐसा लगता है मेथड एक्टिंग मतलब मेरा जो मैं पहले दूसरों से ये शेयर करता था अब मैं किसी से अपना प्रोसेस शेयर नहीं करता डायरेक्टर को भी इंटरेस्ट नहीं है डायरेक्टर आपसे सिर्फ वो शॉट चाहते हैं आप कैसे वो शॉट तक पहुंचते हैं तुम्हारी अपनी प्रॉब्लम है भाई आपका स्टैंडर्ड प्रोसेस है नहीं अपना प्रोसेस डायरेक्टर टू तो डायरेक्टर प्रोजेक्ट टू तो प्रोजेक्ट okay. चेंज होता रहता है ओके okay. सिंपल मेथड मेरा क्या मतलब है कि भैया जैसे आपको दिखना चाहिए वैसे आप दिखते हो जिस के से आपको बात करनी चाहिए आप वैसे बात करते हो यहाँ से वहां तक जाने में पता चलता है कैरेक्टर क्या है कौन क्या है चाल से बड़ी कोई चीज ही नहीं होती yeah, it's, it's, ये रोना धोना हंसना वसना तो ही होता है हा 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 ये हो गया यही रोना हो गया हा 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 ऐसे हो जाता है वो तो इसे बॉडीली रिएक्शन इसका कोई वो नहीं है इमोशन पे तो आप रिलाई कर ही नहीं सकते हो ना इमोशन तो एक फ्लीटिंग चीज होती है इमोशन पे आप नहीं कर सकते आपको वो आनी चाहिए। जब आपको वो आती है तब आप, वो आप किसी भी आप किसी भी हमारे तार थोड़े ज्यादा ट्यून्ड है इसमें कोई कुछ नहीं है आप जब आप गुस्सा नहीं होते हो आप दुखी नहीं होते हो आप हंसते नहीं हो आप उस चीज के बारे में सोचते हो और आपकी बॉडी रिएक्ट करती है उसको तो वो सोच की कंसंट्रेशन, उस सोच की डिटेल जिसमें समय लगता है वो भी एक आपकी बाइसेप की तरह मसल होती है जिसको आपको आप होन करते हो और वो सोच आर यू आर नॉट एंग्री एंग्री नहीं यू आर एंग्री बिकॉज इसने कुछ कर दिया यहां पे. तो उसने जो कर दिया उसके बारे में सोचोगे तो आपके पास अपने आप पर उससे आप एंग्री होगे वो आपको बनाना होता है hmm. देखिए आप क्या रिलेशनशिप आपकी मदर के साथ अलग है मेरा मेरी मदर के साथ अलग है इसका अलग होगा इसका अलग सबका अलग रिलेशनशिप होता है ठीक है अभी मदर की डेथ हो गई है लेथ से तो सभी लोग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं क्यों क्योंकि दुख सभी को होता है उसका एक्सप्रेशन क्या होता है कई लोग आपने देखा होगा चुप रहते हैं कई लोग रोते रहते हैं कई लोग बहुत बिजी दिखते हैं कई लोग को ये होता है कि अच्छा हुआ चली गई दुखी थी बहुत तरीके की चीजें होती हैं तो वो उसको एक जनरलाइज करना और उसको बारीकी से सोच के करना है वो मेरे ख्याल से बीच में जो होता है उसको बोलते हैं शायद मेथड मैं आपसे पूछने वाला था कि, <laughs> to to मतलब कि आपके घर पर क्या हो रहा है आपका किससे क्या झगड़ा हुआ है किससे बात हुई है जब मैं परफॉर्म मतलब मैं पार्ट कर रहा होता हूँ तो यूजली मैं अपने दो रोजमर्रा की फैमिली फैमिली किसी से बात नहीं करता हूं ज्यादा क्योंकि वो मुझे रंदीपुड्डा बनाते हैं और मैं अभी कुछ और बन रहा हूं तो उनसे जितना ज्यादा इंगेज करेंगे आप उतना ही ज्यादा आपको मुश्किल होगी किसी भी पॉडकास्ट के लिए जब मैं रिसर्च करता हूं बाकी इंटरव्यूज देखता हूं पर आपके जवाबों के बदले आपके पॉजेस को नोटिस करता हूं <laughs> पॉज कहां हुआ है आप बहुत ज्यादा घुस जाते हो अपने खुद के काम में एंड आई फील कि जब एक एक्टर इतने गहराई से घुस जाता है अपने काम में कुछ तो इफेक्ट होता होगा उस एक्टर के रियलिटी पर उस एक्टर के माइंडसेट पर फेयर टू से आप कैरेक्टर्स में टोटली घुस जाते हो वो घुस जाने का मतलब ये होता है कि आपके दिमाग में आपकी आपके बदन में वो एक चाल ढाल एक बोलने का तरह क्या दूसरों को किस दुनिया को किस नज़रिए से देखना है और ये भी अवेयर रहना है कि आप एक्टर हो यार अब यहाँ पे मैं बिल्ला बिल्ला दिखा के कुछ मारने थोड़ी लग जाऊँगा लोगों को ये होता है और तो घुसने जाने का मतलब एक अलग होता है कि घुस गए तो वो वही कैरेक्टर बन गए हो आप नहीं उसके साथ आप टाइम बिताते हो उसकी तरह सोचते हो उसकी तरह आप किसी भी चीज़ को पर्सनल रिलेशनशिप हो या किसी भी चीज़ को आप उस तरह से देखने लग जाते हो तो वो फिर आपकी एक नज़रिया बन जाता है और उससे अपने आप पे ये फ़र्क़ पड़ता है कि आपको एक नया नज़रिए से दुनिया देखने को मिलती है एक तो वो फ़र्क़ पड़ता है विच इज़ ऑलवेज़ हमेशा वो एक अच्छी चीज़ होती है एक दूसरे नज़रिए से दुनिया को देखना चाहिए मेरा मेरा ख्याल सिर्फ एक्टरों को नहीं सभी को देखना चाहिए हर एक पॉइंट ऑफ व्यू देखनी चाहिए भाई ये एक बात क्यों बोल रहा है इसके साथ क्या गुजरी है क्या हुआ पर कुछ चीज़ें रह जाती हैं जैसे चाल सुबराज से मेरी स्माइल टेढ़ी होगी थी मैं एक साइड से स्माइल करने लगा एक साइड की मेरी स्माइलिंग मसल ही उसमें भी एक डेढ़ साल मैंने काम किया था फिर सरबजीत के टाइम मेरी बॉडी ने बहुत मार खा ली थी अभी दोबारा सावरकर जी की बायोपिक में फिर मेरे को मैंने वो ऐसा अपने साथ कर लिया था हालांकि मैंने ठाना कि मैं नहीं करूँगा तो वो रह गई फिर मैंने एक पिक्चर है जो कि रिलीज ही नहीं हुई बैटल ऑफ सारागिड़ी मतलब कम्प्लीट ही नहीं हुई उसके अंदर जो मैंने तीन साल सिख स्वरूप में समय गुजारा वहाँ मैं बहुत बदला वहाँ मुझे बहुत बदलाव हुआ एज अ पर्सन मैंने सिक्खी को काफ़ी पढ़ा और एक सेवा भाव एक फिर मुझे फिर कनेक्शन कैसे बनाते हैं आप? कनेक्शन ऐसे बताते हैं बनाते हैं कि हमारे दादी के घर में दादी के जहाँ पूजा का जगह होती थी एक तो पूजा वूजा कोई करता नहीं था हमारे आर्या समाजी टाइप के ही सब होते थे पहले तो दादी वादी दादी को तो मैंने कभी पूजा करते ना नानी को देखा कभी पूजा करते नहीं देखा मैंने एक गुरु नानक की फोटो होती थी एक गुरु गोविंद सिंह जी की फोटो होती थी मे बी हनुमान जी एंड शिव जी इस टाइप का ही होता था तो वो पर जब मैंने उसको देखा तो कहीं ना कहीं मेरी नानी दादी मेरे अंदर थी वो एक सिख भावना मेरे अंदर थी तो अपने अंदर आपके क्या क्या छुपा हुआ है वो भी आप बहुत डिस्कवर करते हो सॉरी यार आपका पॉडकास्ट का फ्लो तोड़ दिया पर मैं बस ये कहना चाहता हूँ फर्स्टली थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस थ्रू आउट द ईयर्स सेकेंडली हमने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया जिसका नाम है बी ओ एफ स्किल हाउस इसकी इंटेंशन ये है कि भारत की अप स्किलिंग जर्नी में हम अपना थोड़ा सा योगदान दे दें हम लेकर आएँ आपके लिए कमर्शियल एडिटिंग का कोर्स क्योंकि ये है बी ओ एफ टीम का कोर्स स्किल सेट बहुत सारे अप स्किलिंग कोर्सेज आ रहे हैं तो एटलीस्ट चेक आउट बी ओ बाइफ़ स्किल हाउस फॉलो आर यूट्यूब चैनल फॉलो आर इंस्टाग्राम पेज बट फॉर ना

इतने हेवी कैरेक्टर्स को अट्रैक्ट कैसे कर रहे हो खुद की लाइफ में आप असल में अंदर से इतने हेवी हो देखो यार मैं सोच वाला आदमी तो हूं मैं सोचता हूं मैं लिखता हूं मैं ये सब चीजें करता हूँ तो ऐसी बात नहीं है कि पर देखिए शायद मैं अट्रैक्ट कहीं मेरी इच्छा ही होगी ना ये आ रहा है ये भी तो बात है हल्के फुलके कैरेक्टर जो कैरेक्टर्स आप बिल्कुल कैजुअली आप करके निकल जाओ वैसे मैंने कैरेक्टर्स कम किए हैं क्योंकि उसमें फिर आपकी भी इन्वॉल्वमेंट नहीं रहती और वैसे भी एज एन एक्टर मैं अनश्योर ही रहता हूं क्या करना है क्या नहीं करना है क्या हूं। मैं सोचता हूँ क्यों करना है क्यों करना पे मैं लगा रहता हूँ मतलब मैं ये क्यों कर रहा हूँ अब ये रोल क्यों कर रहा हूँ एज ए ह्यूमन बींग भी और एज ए कैरेक्टर मैं उस सीन में ये क्यों कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ दोनों चीज क्या रणदीप खुश है uh, मैं तो यार uh, मैं, मैं बहुत घिरा हुआ हूँ चीज़ों में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी uh, भी है एक मेंटल फिज़िकल फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक uh, एक uh, बहुत कुछ काम बहुत सारी चीज़ें एक बारी में कर रहा हूँ मैं एक्टर पिक्चर प्रमोट कर रहा हूँ एज ए डायरेक्टर पिक्चर ख़त्म कर रहा हूँ एज़ ए प्रोड्यूसर प्लान कर रहा हूँ Uh, अभी भी एज ए राइटर को राइटर अपने उत्कर्ष के साथ बैठ के सब टाइटल्स को ठीक करता हूँ <laughs> <laughs> तो तो इतना घिर गया हूँ मैं इसमें और दो साल से मेरा ये कुछ चला हुआ है जब से सावरकर जी मेरी ज़िंदगी में आए हैं मेरी ज़िंदगी बहुत बड़ी बहुत है पर तकलीफ़ें भी उतनी हुई हैं और uh, मेरे ख्याल से विदाउट स्ट्रगल देर इज़ नो प्रोग्रेस तो शायद तरक्की भी उतनी ही हो ये मुझे लगता है इसी में तो आदमी लगा रहता है यार कि आज मैं ये दुख लेके ये ये बोझ लेके आज मैं इसको किसी ना किसी तरह इसके अंजाम तक पहुंचा दूं ताकि कल को इससे कुछ शांति मिले दोस्तों ऐसे तो ही बहुत सारे क्लिप्स अपलोड किए हैं इस चैनल पर चैनल को एक्सप्लोर करो देखते जाओ और सीखते जाओ